नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पूरे देश में मानो त्रेता युग जैसा माहौल बन रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अपील भी की थी कि वो सभी 22 जनवरी को अपने अपने तरीके से दिवाली मनाएं। यहां तक कि पीएम मोदी लगातार देश के गायकों के द्वारा गाए गए राम भजनों को भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी कर रहे हैं और लोगों से इसको सुन राम भक्ति में लीन होने को कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हंसराज रघुवंशी, स्वाति मिश्रा और जुबीन नौटियाल जैसे कलाकारों के भजनों को शेयर किया और आज एक और गायिका का सुंदर राम भजन पीएम मोदी ने शेयर किया है और वो है सिंगर स्वाति मेहुल। स्वाति मेहुल का राम आएंगे भजन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया, वैसे ही स्वाति मेहुल काफी ट्रेंड भी होने लगी है और हर जगह चर्चा का विषय स्वाति मेहुल ही बनी हुई है। वहीं सबके मन में यही सवाल है कि आखिर कौन है गायिका जिसका भजन खुद पीएम मोदी ने शेयर किया है। लेकिन ये जानने से पहले आपको ये बता देते हैं कि पीएम मोदी ने इस गाने को शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है। पीएम मोदी ने सुंदर भजन को शेयर करते हुए लिखा कि स्वाति जी का ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है, आंखों को आंसुओं से, मन को भावों से भर देता है। मतलब देखा जाए तो पीएम मोदी भी स्वाति मेहुल के इस राम भजन को सुन काफी प्रभावित हुए हैं और लोगों से इस अत्यंत मनोहर भजन को सुनने की अपील भी कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है स्वाति मेहुल। स्वाति मेहुल वर्तमान में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करती हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और कहा जाता है इनकी संगीत के प्रति रुचि बचपन में ही पैदा हो गई थी। स्वाति मेहुल हिंदी और पंजाबी गानों में भी अपना जौहर दिखा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाबी गीतकार जानी ने इनकी आवाज को इंस्टाग्राम के रील के माध्यम से सुना था और उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने स्वाति मेहुल की बॉलीवुड में एंट्री करवा दी, जिसके बाद आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम की आई फिल्म बाला में उनका पहला बॉलीवुड में प्लेबैक सॉन्ग ना गोरिया रिलीज हुआ था, जिसने आते ही हर जगह धूम मचा दी थी। स्वाति मेहुल का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 1.69 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं और स्वाति अपने चैनल पर ज्यादातर भक्ति के गाने ही शेयर करती हैं, जिसे लोग भी काफी पसंद करते हैं। तो ये थी स्वाति मेहुल, जिनका राम भजन पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।